शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? योग करें, शुभ भावना शुभकामना। इस शरीर को कभी भी सारे कलप में बीमारी नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा निरोगी काया वरदान देता हूं, तो क्या सभी को मिलेगा? नहीं। तो क्या कर... देखो भाई जी ने कुछ बताया ना, ऐसे नहीं धन देने से तन ठीक थोड़ी होगा। अब देखना, अब इसकी व्यवस्था सुनना अच्छी तरह से। आप कहते भाई माता जी कहते मैं रोज मुरली सुनती हूँ, रोज योग करती हूँ, ये बीमारी क्यों आई? पूछेंगे ना, उसका सबका जवाब कान खोल के अच्छी तरह सुनना। ऐसे नहीं योग ज्ञान करो ये करो मिलेगा, नहीं। विधि है, जिसको गेहूं चाहिए तो चावल का बीज बोलो तो गेहूं उगेगा नहीं, जो बोएंगे वो मिलेगा, है ना। अब पूछो कि इस शरीर को कब बीमारी नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो शिव बाबा ने कहा बच्चे ये आपका तन नहीं, ये मैंने आपको सेवा अर्थ दिया है। इस तन से आप इस यज्ञ शिव बाबा ने आकर इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ की एक मिनट इस शरीर से सेवा करो, एक का पदम गुना देगा, एक जन्म के लिए इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होगी, ऐसा ये यज्ञ बाबा ने देगा, यज्ञ वरदान देगा। अगर इस यज्ञ की आप सेवा करते हो एक मिनट इस शरीर से, तो यज्ञ आपको वरदान देगा, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान मिलेगा। ये विधि विधाता बताता। तो आपको कितने जन्म के लिए शरीर निरोगी काया चाहिए? अगर एक बोरी चावल चाहिए तो एक ही दाना बोने से होगा, कितना चाहिए तो वो भी सोच लो। तो अगर आपको 84 जन्मों के लिए इस शरीर को कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो कितना मिनट इस यज्ञ की सेवा करना चाहिए? एक दिन में एक का पदम गुना बताया है ना, तो कितना जन मिनट करना चाहिए? 84 मिनट करना पड़ेगा ना, हो सकता है? सोचो। ऐसे नहीं, भगवान बहुत चतुर सुजान है, भोला नाथ नहीं है। हाँ बाबा आप भोले हो जो भी करो, नहीं, बहुत चतुर सुजान है, हिसाब किताब पूरा रखता है ना। कितना भी रो लो कितना भी कुछ करो वाला नहीं है, बहुत कठोर दिल वाला है ना। तो बच्चे जो किया वो मिलेगा, तब कहता है मैं कुछ नहीं करता हूँ, धर्मराज बैठा हुआ है, अपने को बचाता है और धर्मराज को सामने रखता है ना, तो अपने को बचाता है। तो बाबा कहता है बच्चे जो करेंगे वो पाएंगे। इस शरीर को अगर कभी निरोगी काया चाहते हो, भगवान कुछ नहीं देता है, विधि बताता है। क्या विधि? ये तन अगर देखो माता जी घर में दो बच्चों के लिए, एक पति, चार लोगों के लिए सारा दिन अपना सेवा करती है ना। अभी सेंटर में देखो एक बहन जी है, सवेरे से पूछो सवेरे से रात तक कितने लोगों के लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया, मुरली सुनाई, कितने सेवा किया। क्या भगवान ने उनको चार हाथ दिया? माता जी को दो ही हाथ दिया, उनको भी दिया, अंतर क्या है? किसने ये तन किसकी सेवा में लगाया, ये तन इसकी सेवा में, इनके खेती में काम करेंगे तो वो देंगे ना, अगर इनके खेती में काम करेंगे तो ये देंगे ना, तो किसके खेती में काम करना है, तन किसकी सेवा में लगाना है, ये निर्णय आपको करना है ना। हर एक सोचो हमारा जीवन ये शरीर किसी का सदा नहीं है, कल छोड़ देना है थोड़े समय के लिए, और आपका शरीर नहीं कह सकते आप, है ना। तो ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो पूछना। अगर भगवान को कहते हो शिव बाबा ये दर्द ठीक करो, बच्चे आप खराब करो और मैं ठीक करता रहूं, यही धंधा मेरा नहीं, मेरे कहने अनुसार चलते हो तो मेरे यज्ञ की सेवा में लगाओ। कितना लगाओ? संसार छोड़ो नहीं कहा, 24 घंटे 23 घंटे बच्चों की, पति की, सास की, बहू की, घर की सेवा करो, कम से कम एक मिनट इस यज्ञ की सेवा।
तो ये यज्ञ एक का पदम गुना एक जन्म के लिए आपको निरोगी काया वरदान देगा। संभव है? कर सकते हो कि नहीं? नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी को तकलीफ है दवा? नहीं भाई जी, एक मिनट भी निकल ही नहीं सकता है घर में। हाँ बच्चे छोड़ते भी हैं, हाँ घर में इतना सब काम करना है, तो ऐसा है तो किसको बताएंगे? अपने तकदीर। हमने भगवान जब आया उसको मदद नहीं किया, वो मुझे मदद कैसे करेगा? है ना? तो इसलिए बाबा ने व्यवस्था दिया, ये तन कम से कम एक मिनट सेवा में, एक घंटा नहीं।